नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं जनता शो। आज 26 नवंबर है और इसी दिन 2008 को भारत को बड़ा आतंकी हमला झेलना पड़ा था। इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता अजमल कसाब को पकड़ लिया गया था और 4 साल बाद 21 मई 2012 को फांसी दी गई थी। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समुद्र मार्ग से आए 10 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसमें आतंकियों ने खास तौर पर ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यहूदी सामुदायिक केंद्र नरीमन हाउस और कामा अस्पताल को निशाना बनाया था। उस वक्त का एक किस्सा हम आपसे साझा करना चाहेंगे। आप जानकर हैरान होंगे कि जब अजमल कसाब को पकड़ा गया तो उसकी गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही कसाब एक इंस्पेक्टर को कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। इंस्पेक्टर परेशान हो जाता है, वो उसे कुछ समझ नहीं आता है। इंस्पेक्टर कसाब से कहता है कि तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते, तुम अब पुलिस कस्टडी में हो। तो कसाब का कहना था कि वो ऊपर जाना चाहता है। अब उसके ऊपर जाने के कहने का क्या मतलब है? एक दफ़ा इंस्पेक्टर दिनेश कदम जब कसाब को मौसमी का जूस पिलाते हैं तो मौसमी का जूस पीने के बाद कसाब को वह जूस बहुत कड़वा लगता है। एक बीमार आदमी को अगर आप वैसे भी मौसमी का जूस पिलाएं जिसमें शक्कर ना मिली हुई हो तो वो वैसे भी कड़वा लगता है। लेकिन जब कसाब ने वो जूस पिया तो उसे ये लगा कि मुंबई पुलिस ने उस जूस में उसे जहर पिला दिया है। तो जूस पीने के बाद कसाब को लगा कि अब वह बस चंद मिनटों का ही मेहमान है, तो इसलिए उसने अब ऊपर जाने की इजाज़त मांगी थी मुंबई पुलिस से। पुलिस लेकिन कसाब को जिंदा रखना चाहती थी क्योंकि वह एक ही ऐसा चश्मदीद गवाह बचा हुआ था जो इस मास्टरमाइंड के बारे में सब कुछ जानता था, तो इसलिए पुलिस ने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ था। आज इस आतंकी हमले की 11वीं सालगिरह है। जिन लोगों ने इस हमले में अपनों को खोया था, इस हमले में, वो लोग आज भी इस हमले को याद कर कर रोते हैं। जो इन लोगों ने खोया है उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने जो खोया है वह अब कभी लौट कर नहीं आएगा। आज भी आतंकियों की गोलियों की आवाज़ उनके कानों में गूंजती होंगी। इस हमले में हमारे कुछ जाबाज पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए थे, जिनमें शामिल थे हेमंत करकरे, चीफ ऑफ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो उस दिन रात को अपने घर पर खाना खा रहे थे और जैसे ही क्राइम ब्रांच ऑफिस से फ़ोन आया तो वो घर से निकल गए और बाकी पुलिसकर्मियों के साथ उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह अब कभी घर नहीं लौट पाएंगे। कामा अस्पताल के बाहर आतंकी मुठभेड़ में वह शहीद हो गए। दूसरे पुलिसकर्मी तुकाराम गोपाल ओमले थे, जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक रिटायर्ड पुलिस आर्मी में थे, जिन्होंने अपनी बहादुरी की वजह से अशोक चक्र भी मिला था। ये वही जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने आतंकी कसाब को बिना किसी हथियार के पकड़ लिया था और उन्हें दबोच लिया था। तीसरे बहादुर पुलिसकर्मी का नाम है अशोक कामटे, जो कि कामा अस्पताल के बाहर आतंकी इस्माइल खान से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। चौथे हमारे पुलिसकर्मी हैं विजय सालस्कर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ये भी आतंकियों की मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। हमारे पांचवें सिपाही हैं मेजर संदीप उन्नकृष्ण, एनएसजी कमांडो थे। यह मिशन ब्लैक टॉर्नेडो का नेतृत्व कर रहे थे। जब वह ताजमहल पैलेस में आतंकियों से लड़ रहे थे तो पीछे से गोली लगने की वजह से ये शहीद हो गए। तो दोस्तों, इन बहादुर सिपाहियों को हमारा सलाम, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लोगों की रक्षा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।